जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात झा पहुंचे ऐसी जगह जहां उन्होंने जमकर कांग्रेसियों पर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी के 72,000 रुपए गरीबों को दिए जाने वाली बात पर कहा कि ये लोग लालच दे रहे हैं जिन्होंने कभी गरीबों को 72,000 रुपए नहीं दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी उन्हीं के पोते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार को चुनौती दी कि उन्होंने सरकार में आना है इसलिए गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए 6,000 रुपए देने बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने 6,000 प्रति साल देने की बात कही थी और वो भी खोते में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री थी 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। राहुल गांधी जी उन्हीं के पोते हैं। लोकतंत्र में लोभ तंत्र का कोई स्थान नहीं है। ये लोकतंत्र में जो लोभ तंत्र शुरू किया है और जो काम नहीं कर सकते गरीबों का उपहास उड़ा रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में 72,000 क्या 72 रुपये किसी गरीब को नहीं दिया, वो सरकार में आने की बात तो है ही नहीं इसलिए बोल दिए कि मैं 72,000 रुपये दूंगा साल। ये झूठ है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। सत्य यह है कि किसानों के खाते में 6,000 रुपए साल के देने का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी ने उनके खाते में 6,000 भेजना शुरू कर दिया है। जो हो सकता है वो किया गया है, ये झूठ है। और आपने कहा लॉलीपॉप, तो जनता मूर्ख नहीं है, गरीब राहुल गांधी को मूर्ख समझता है कि ऐसी घोषणा करके हम गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं।